फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह समाज के इसराइल पर हमला करने के बाद दोनों देशों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई है। दोनों देशों की तरफ से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों में जोरदार धमाकों की आवाज आ रही है। हमास के हमले के बाद इसराइल के पीएम ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच छिड़े जंग में इसराइल ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। इसराइल ने जंग के ऐलान के बाद गाजा में अल वतन टावर पर हमला किया है, जिसमें अल वतन टावर ध्वस्त हो गया है। इसराइल द्वारा गाजा में अल वतन टावर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से जोरदार हमले के बाद अल वतन टावर धू धू कर जल रहा है। वहीं बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास के हमले के बाद जंग का ऐलान कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने अपने ऐलान में कहा कि इसराइल फिलिस्तीनी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास को मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं हमास के हमले के दिन पहले शनिवार शाम को एक टेलीविजन संबोधन में इसराइली नेता ने उस दिन को इसराइल के इतिहास में एक गंभीर क्षण बताया और कहा कि उनका देश बदला लेगा और हमास के आतंकवादियों को हराएगा। उन्होंने कहा, इसराइल रक्षा बल हमास की क्षमताओं को नष्ट करने के लिए तुरंत अपनी सारी शक्ति का उपयोग करेंगे। बाकी की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें द भारत न्यूज़ के साथ।